हेलो, गुड नाइट। तो फिर से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है क्योंकि टाइम हुए हैं 1:05, 7 मिनट ऐसे कुछ टाइम हुआ है और ये रात का टाइम है। पीछे मेरी खिड़की में देख सकते हो अंधेरा है। परी मैडम को भूख लगी है, अभी दिखाती हूँ क्या। आप क्या खा रहे हो? ओरियो किसके साथ? दूध के साथ। रोटी खानी है? हाँ, रोटी भी किसके साथ? दूध के साथ दे दूँ। चिकन नहीं खाया था आपने? खाया तो था। फिर भूख लग गई? किचन हाँ, दोबारा भूख लगी। चिकन से पेट नहीं भरा। से चिकन से पेट नहीं भरा? हाँ, चलो रोटी बना रही हूँ फिर मैं। ठीक है, चिकन तब तक खा लो। तो फिर आप ओरियो खा लो तब तक। चिकन चिकन लेग पीस। लेग पीस खाया था? हाँ, उससे पैर नहीं बोला भाई। करनी चाहिए उससे पैर मिल जाए। चलो चलो खा लो तो उसको। चलो लिया अपने बिस्किट फिनिश करवा दे, तो रोटी बना रही हूँ। ये क्या हरकतें हैं? चलो जाओ। तो परी का ओरियो बिस्किट और दूध वहां रखा है। और रोटी यहाँ बन रही है, मुझे भी भूख लगाई। और यहाँ से इसने ओरियो निकाल ली। तो फायदा ये होता है कि स्नैक्स है ना, मैंने वहां पर वाले कबर्ड में रखे हुए ना, तो परी ने अपने आप निकाल ली। मुझे लगा ओरियो खत्म हो गए, बट कुछ एक एक दो दो जो बचा हुआ था ना, वो मैंने इसमें डाल दिया था। तो परी ने यहाँ से निकाल लिया, 2-3 ओरियो बचे हुए थे। एक रोटी बन गई, एक और बना रही हूँ, एक मैं खा लूंगी। भूख लग ही गई है, जगे हुए तो भूख ही लग गई है। खाना और टाइम ये हुआ है रात के, तो ये रात वाला ब्लॉग। परी की रात वाली भूख। दोनों खा लिए और बिस्किट। दोनों फिनिश कर दिए? ठीक है, गुड गर्ल। थोड़ा सा मेरे पास भी है। चलो, वेरी गुड, गुड गर्ल। कौन सी चाय है ये? ओ, ऐसे हाथ नहीं लगाते बेटा। लेमन टी, लेमन बनाया ना आपने? ये वाली चाय है, ठीक है। और ये वाली इससे बनाई है इसने, लेमन लेमन स्क्वीज कर दिया उसके अंदर। वेरी गुड बरी, गुड गर्ल। ओह ठीक है, पागल हो गए हो? इतना खट्टा होता कौन पीएगा? रुको, परी ने बनाई है ग्रीन टी। सुनो सुनो, पहले ये बताओ सबको ग्रीन टी से क्या होता है। हाफ लेमन पिला दो, कह रही इतना खट्टा नहीं है, इतना खट्टा नहीं है। चल आ जा। मिर्ची खाई? मिर्ची खा ली आपने? और रुको, किसने कहा था बेटा मिर्ची खाने के लिए? लो पियो, खाओ इसको, इससे मिर्ची नहीं लगेगी फिर। बेटा थोड़ी सी खा लो, थोड़ी सी खा लो। शक्कर आपकी फेवरेट है ना? तो पानी ले आओ। पानी से नहीं मिटेगी बेटा, मेरा अच्छा बच्चा, ये खा ले। पानी से और ज्यादा लगती है, खा के देखो थोड़ी सी। इससे खा लो बेटा, स्पून से। रोटी खिलाओ इससे। रुको। हाँ ये खा लो, गुड। मिर्ची मिर्ची है बेटा, तो मिर्ची लगेगी ना उससे। ऐसे क्यों किया आपने, क्यों खाया? अब मत खाना ठीक है, ज्यादा मिर्ची लग रही है। ये खा लो मेरा बेटा, मेरा अच्छा बच्चा ना, एक बार खा के देखो मम्मा मम्मा के कहने से। बिल्कुल भी मिर्ची नहीं लगेगी फिर आपको। देखो नहीं लगी ना, ये खाओ, इसमें से खाओ थोड़ी सी।
दूध पी लो। अब परी को मैं खिला रही हूँ दाल के साथ, दाल रखी थी तो दाल के साथ उसको एक रोटी खिलाऊंगी और एक मैं खाऊंगी। मिर्ची लग गई मैं सोना को, मिर्ची लग गई बेबी। कपड़े से नहीं पोछते ना, टावल लेते हैं ना, मम्मा ने बताया है। फिर आपने अपने टी शर्ट से क्यों साफ किया? निकाल दो। हाँ? चलो मैं परी के कपड़े निकाल रही हूँ और फिर परी को नहीं दिखाऊंगी। निकाल दो फ्रेंड। तो परी आधी रोटी खा के गई है और एक कप दूध में से थोड़ा सा उसने दूध छोड़ दिया वो पी करके, और लेट गई है कि मेरे को नींद नहीं आई है, मैं जा रही हूँ। तो मैंने बोला ठीक है मैं खाना खा के आती हूँ, आप चलो। यार 1:30 बज गया तो भूख तो लगेगी ना, 8 बजे खाना खाया था, लगी गई भूख। उसके बाद तो कोल्ड कॉफ़ी भी पी थी मैंने, बट अब रात को जगते ना तो यही प्रॉब्लम होती है, बहुत जल्दी भूख लगती है रात को। और जब मेरा वेट इंक्रीज़ हुआ था ना, सॉरी, तो एक तो माइग्रेन की जो दवाइयाँ थी वो ले रही थी उसकी वजह से, और दूसरा मेरी नाइट शिफ्ट होती थी और नाइट शिफ्ट में ज़्यादा खाया जाता है खाना, तो मेरा वेट उस टाइम में बहुत इंक्रीज़ हुआ था। सबकी मतलब बॉडी टाइप होता है, तो मेरा उस टाइम में बहुत हुआ था, दोनों ही चीज़ें थी। तो वो लेटी हुई है, अभी सो जाएगी, बस 5-7 मिनट लगेंगे उसको। और मेरी नींद उसने उड़ा दी है, बट मैं ट्राई करूँगी सोने का, सोने ही जा रही हूँ मैं भी। पर मैं सोची थी जब आप लोगों से बातें कर ही रही हूँ तो मैं परी की ना बुक्स दिखा देती हूँ कि मैंने जो उसकी बुक्स है और जो बुक्स तो क्या, हाँ बता, बुक्स खाना खा रही हूँ मैं, अभी आ रही हूँ। बुक्स और स्टेशनरी है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया है, तो पहले मैं इसको सुला देती हूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि उसकी बुक्स और स्टेशनरी को मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है। और सेम वीडियो यही ऑर्गेनाइजेशन वाली, बुक्स ऑर्गेनाइजेशन वाली, मैंने दूसरे चैनल पर भी डाली है, इंडियन व्लॉगर मनीषा पे, क्योंकि कुछ एक सब्जेक्ट मतलब ऐसे होते हैं ना, तो बेबी ऐसे नहीं नंगू पुंगू दिखते हो फिर आप, तो मुझे दिखाओ ना बेबी, आप नंगू हो, आपने कपड़े नहीं पहने। तो ये टॉपिक ऐसे है जो मेरे दोनों ही चैनल पे इनका जो कमेंट्स हैं वो आ रहे थे, तो मैंने दोनों चैनल पे ही शेयर कर दिया है ये वाली चीज़, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब जो सब्सक्राइबर है वो कॉमन नहीं है कि जो मेरे दोनों चैनल्स पे जाएं, तो सबके लिए कुछ एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो होती हैं वो मैं दोनों ही चैनल्स पे शेयर करूँगी। तो जो दोनों चैनल पे है तो प्लीज़ आप देख लीजिए। तो चलो एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि वो वीडियो मैंने शूट किया हुआ है, अभी शाम को शूट किया था, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसको सुला देती हूँ और मैं ट्राई करती हूँ, अगर मेरे को भी नींद आ गई तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो चलो 1:30 हो गया है पूरा, तो आप तब तक देखो कि मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले मैं ओवरऑल एक बार लुक देती हूँ। ये परी की अलमीरा है, यहाँ पे टॉवल्स और बेडशीट्स रखी हुई हैं, नीचे वो सारे टॉयज़ रखे हैं जो टॉय हैं उसके, तो उनको मैंने इस तरह से बास्केट में रख दिया, ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैंने डिक्लटर कर दिए, सब दे दिया। इस ब्लैक बॉक्स में सिर्फ उसका जो किचन सेट है वो है, यहाँ पर उसके ब्लॉक्स रखे हुए हैं, उसमें सारी बॉल है, यहाँ पर परी का क्या बोलते हैं इसको, क्ले वाला है, इसको भी मैंने इस बास्केट में डाल दिया है ताकि वो अपना ऐसे उठा के लेके जाए और वापस से इसी में रख दे, तो इससे ऑर्गेनाइज रहता है। पीछे ये रखा हुआ है, वो ब्रश पता नहीं वहाँ क्यों पड़ी हुई है। तो बस इतने से ही टॉय है, एक एक कार है, ये नीरव की कार थी, नीरव तो खेलता नहीं है पर ये रखी हुई है, पलवित आता था वो इसको यूज़ करता है, तो ये चीज़ें रखी हुई है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बाद में दिखाऊंगी आपको। इस वाले में मैंने उसकी सारी जो शॉर्ट्स है वो रख दी है, चड्डियाँ वड्डियाँ, इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज कर दिया है। पहले ये सब यहाँ रखा हुआ था, अब यहाँ पर आते हैं। उससे पहले यहाँ पे उसकी फुल स्लीव्स टी शर्ट है, 4-5 कभी कभी पहन लेती है वो बीबी। एक इसका पार्टी वेयर कुर्ता है, फ्रॉक है, बाकी ये यहाँ पे उसके कुर्ते शॉर्ट्स, उसकी जो सॉरी हाफ स्लीव टी शर्ट्स हैं वो रहती हैं। ये परी के स्कूल का है, फर्स्ट डे जब वो स्कूल गई थी श्री राम, तो उसके हैंड प्रिंट थे ये। यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजर में मैंने सारे उसके बैंड्स क्लिप्स वगैरह वो रखे हैं। अब आ जाते हैं मेन स्टेशनरी पे। तो इस एरिया में मैंने पहले जैसे बताया शॉर्ट्स रखी थी, तो ये
उतना अच्छा भी नहीं लग रहा था और बन नहीं पा रहा था। फिर ये सब सारी स्टेशनरी इसमें रखी थी तो वो मैनेज नहीं हो रही थी, तो मैंने इसको वाइस वर्सा कर दिया और अब अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज हो गई हैं। तो यहाँ पे के बॉक्स है जो कि काफ़ी पुराना है, इसमें मेरे मग्स आए थे, बहुत 2 साल पुराना ये कार्डबोर्ड का है, तो इस पर मैंने इस तरह से पेपर लगा करके इसको यूज़ किया क्योंकि इसमें सेक्शन है। तो एक सेक्शन में मैंने उसके क्यूब्स रख दिए हैं, इसमें जो उसके टॉयज़ है ये वाले जो उसको सिखाने होते हैं, मतलब आ गए हैं अब तो क्या सिखाने हैं, बट फिर भी ये यहाँ पे रखे हुए हैं। इसमें सारे नंबर्स हैं, इसमें सारी शेप्स हैं, तो इस तरह से सेग्रीगेट करके ये बॉक्स मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे उसकी सारी कलरिंग बुक, नंबर बुक, लाइन बुक और कुछ एक ऐसे प्रिंट आउट्स है जो मैं उसको करवा रही हूँ, तो वो एक फोल्डर में डाल के मैंने सारे प्रिंट आउट रखे हुए हैं। और ये उसका जैसे स्कूल का स्केड्यूल आता है, हर दिन आता था, तो इस तरह से यहाँ पे मैंने प्रिंट आउट निकाल के रखा हुआ है। और यहाँ पे सारी कलर बुक, जैसे बताया वो लाइन बुक्स वगैरह वो हैं यहाँ पर, तो ये सब चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। एक उसके स्कूल डायरी थी वो यहाँ रख दी है और बाकी कुछ नहीं, एक चुन्नी उसकी एक्स्ट्रा से रखी रहती है। तो एक बास्केट के अंदर इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज कर दी है उसकी बुक्स, तो इससे बहुत इजी रहता है पिक करना, जो भी पिक करना है आप इजीली पिक कर सकते हो। तो बच्चों की बुक्स इस तरह से रखें तो ज़्यादा बेटर रहती है। अभी इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है तो उसके जो बुक्स आएंगी न्यू वो भी इसमें मैं रख दूँगी। उसके बाद एक छोटी बास्केट रखी है जिसमें उसके सारे पेंसिल्स, कलर, सीजर, यहाँ पे इरेजर रखे हुए हैं, इरेजर है, शॉर्पनर है, इसमें जो छोटे छोटे कलर्स जो छोटे हो गए हैं, टूट गए हैं, वो इस एक कप के अंदर रख दिए हैं। यहाँ पे उसके दूसरे कलर और ये क्रियोन, तो इस पूरी बास्केट में उसका वो सारा सामान है। पीछे ये उसकी नंबर प्लेट, हाँ नंबर प्लेट ही बोलेंगे ना ये, और ये शेप वाली, ये दोनों रखी है ताकि यहाँ से उठाया एंड आप यहाँ से इनको पिक करके ले लो। और इसको जब लेना होता है तो इसको पूरे का हम उठा करके इजीली ले जाते हैं और वापस से इसको रख देते हैं। तो इस तरह से इन छोटी छोटी चीज़ों का ऑर्गेनाइजर का यूज़ करके आप चीज़ों को रख सकते हैं। ये बास्केट भी बाय करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस तरह के बॉक्स बहुत मिल जाते हैं घरों में, शू के बॉक्स हैं तो उन पर अच्छा सा इस तरह से कवर लगाओ और अंदर से लगाना चाहो तो अंदर से भी लगा दो। मैंने तो जैसे बताया 2-2.5 साल पुराना है ये बॉक्स, मैंने जब परी थी छोटी तभी ये बनाया था, तो ये आज तक ऐसे ही चल रहा है, तो अब इसकी रिक्वायरमेंट वैसे आ गई है चेंज करने की। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो और ये सुंदर भी लगते हैं देखने में। बास्केट है तो उनका यूज़ कर लो, अदरवाइज ऐसे कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना ईजी रह जाता है, जैसे यहाँ पे सारे कलर ये हो गए तो यहीं से उठाया आपने वापस रख दिया। बुक्स हैं वो इस तरह से ईजिली पिक भी कर सकते हो, रख सकते हो। यहाँ पे इसमें एक छोटी सी जो छोटी छोटी उसकी बुक्स हो है ना, जो ये वाली फ्रूट्स वेजिटेबल ऐसे, इसका पूरा पैक आता है 10 या 12 का इसका, वो आप इसमें रख दो। उसके कार्ड्स है ये, जो एक मैंने आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर किया था उसके साथ ही आए थे कार्ड्स, तो ये भी बच्चों को स्मॉल बिग मतलब जो साइज़ होता है उसको बताने के लिए काफ़ी अच्छे हैं, उनके फोकस के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये परी बहुत लाइक करती है इस वाले गेम को खेलना कार्ड्स के साथ। तो ये उसका पेपा पिग, वो फेंकने नहीं दे रही है, टूट गया, ये किसी ने गिफ्ट किया था परी को, तो जो रेनू है ना मैंने वीडियोज़ में देखा आपने, उन्होंने गिफ्ट किया था, तो ये टूट गया है ये रखे हुए इसके, तो मैं जोड़ के रख देती हूँ, उठाती है फिर टूट जाता है, तो लेकिन उसको फेंकने नहीं देती, ये यहीं पे रहता है परमानेंट। इस वाले बॉक्स में उसके सारे क्लिप्स, ये हेयर बैंड रख दिए हैं, यहाँ पे एक बोतल रखी है एक्स्ट्रा, ये मेरी जो ननंद का जब हम पीलिया देने गए थे ना तो उसके लिए टॉयज लिए थे हमने बेबी के लिए, तो उसमें से परी ने ये वाला रख लिया था कि ये मैं लूँगी। तो बस इतनी सी स्टेशनरी है और उसको मैंने ऐसे अरेंज किया हुआ है, जो भी सारी चीज़ें चाहिए सब इसी में है, बुक्स भी आपके, स्टेशनरी, टॉयज वगैरह सब मतलब आपके इकट्ठे हो गए सिर्फ इन 3 बास्केट्स में। तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कुछ आइडिया देना चाहो तो दे सकते हो। तो इस तरह से रखे हैं, ऊपर परी के सारे बैग रखे हुए हैं और ये कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्ट टॉय जिससे कि परी खेलती नहीं है, सॉफ्ट टॉय से वो नहीं खेलती, कभी कभार ही है उसका। तो इस तरह से मैंने अरेंज कर दिया है ये सारा सामान, और नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी मैं परी के कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उसकी प्यारी सी चीज़, वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, इसमें नहीं।